शांति। आज की तारीख है 26/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी भी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी जर्मुई जंगमुई की बातें नहीं सुनो, यानी व्यर्थ बातें, गलतफहमी होवे ऐसी बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा भी प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर है, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है और यही बहुत बड़ा विघ्न है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, आपस में वाहियत यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। नंबर 2, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान सतगुरु शिव परमात्मा पिता का समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार को संस्कार सो परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है, फाउंडेशन है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी यानी सरल और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, ओम शांति।